हेलो एवरीवन बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेट एंड टाइम के बिल्ट इन फंक्शन एक्सेल बीबीए में डेट एंड टाइम के जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग के फंक्शंस को डिस्कस किया था तो वो वाला वीडियो आप जरूर से देख लें स्ट्रिंग के फंक्शन सीखने के लिए और इस वीडियो को कंटिन्यू करें डेट और टाइम के फंक्शन को सीखने के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए तो इस वीडियो में डेट और टाइम के जो हम फंक्शंस डिस्कस uh, करने वाले हैं उनकी लिस्ट मैंने एक बनाई है तो वो लिस्ट मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या फंक्शन हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कॉमनली यूज बीबीए के डेट एंड टाइम के फंक्शन होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो आप जो है वीडियो एंड तक देखो और आपको आ, ये फंक्शन कैसे यूज़ करने हैं किस में क्या जो है आपको इनपुट देना होता है कैसे आप जो है वो कोई वैल्यू लेते हो वो सारी चीज़ें जो है डेट एंड टाइम से और कैसे आप डेट फॉर्मेट करते हो सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आराम से कर पाओगे तो इसको मैं जो एक साइड में यहाँ पे रख देता हूँ रेफरेंस के लिए और फिर हम लोग जो है एक एक करके सारे फंक्शन जो है वो समझेंगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जो मैंने बनाई है इस डेट एंड टाइम के फंक्शन के लिए उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जो है डेट एंड टाइम के फंक्शन को समझेंगे तो मैं ये जो है एक्सेल मैक्रोस को ओपन कर लिया है मैंने डेट एंड टाइम के लिए मैंने बनाई है इसको मैं डेवलपर टाइप में जाके विजुअल बेसिक पे जाके बीबी बी के एडिटर जो है वो ओपन कर लूँगा आप ऑल्टे अवेलेबल भी कर सकते हो और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग जो है एक आ, सब रूटीन क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम रख लेंगे डेट टाइम फंक्शंस डेमो ठीक है तो हम डेट एंड टाइम के फंक्शन का डेमो करने वाले हैं तो मैंने उसका जो है नाम रख दिया डेट एंड टाइम फंक्शन डेमो तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारा है वो है डेट उसका की नाम है डेट तो डेट जो है वो क्या करता है मैं आपको डिब डॉट प्रिंट करके दिखा देता हूँ आप यहाँ पर जो है डिबक डॉट प्रिंट जब लिखोगे और आप यहाँ पर लिखोगे डेट तो ये जो डेट है ये आपका एक फंक्शन है और ये आपको क्या वैल्यू देता है इसको आप जो है इस तरह से देख लो तो ये वैल्यू जो है आपको देता है ये और इसके साथ में एक और फंक्शन होता है उसका नाम होता है टाइम तो उसको भी आप देख लो यहाँ पे ऐसे कि जब आपको टाइम चाहिए है तो आप टाइम कैसे ले सकते हो और डेट कैसे ले सकते हो ठीक है तो ये आपका जो हो गया है यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ दोनों एक साथ प्रिंट हो गए हैं तो ये जो है आपका यहाँ पर मैं फिर से चला देता हूँ तो ऊपर आपका हो गया है डेट और नीचे आपका हो गया टाइम और डेट का फॉर्मेट आपका ये है और टाइम का फॉर्मेट ये है ठीक है तो फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखेंगे अब इसमें अगर आपको यहाँ पे जो है वो कॉन्डिनेट करना है तो आप लोग जो है वो स्टिंग वाले फंक्शंस में सीख चुके हो कि कैसे कॉन्डिनेट करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर आप जो है वो लिख दोगे टाइम तो यहाँ पर जो है आप सिंपल सी फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो कॉन्डिनेट करके बट एक्चुअल जो है डेट कैसे फॉर्मेट करते हैं वो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ के इसीडियो वीडियो में जो है वो कवर करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इसको चला दोगे इस तरह से तो आपका जो डेट और टाइम इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा अच्छा यहाँ पर देखो अगर आपको अलग डेट चाहिए तो ऐसे मिलेगा और अलग टाइम चाहिए तो ऐसे मिलेगा अब अगर आपको डेट और टाइम एक साथ चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो तब आप कर सकते हो डिबक डॉट प्रिंट और फिर आपके पास एक फंक्शन होता है जैसा कि नाम होता है नाओ और यहाँ पर आप जो है कॉन्टिनेट कर दो इसको साथ में ही यहाँ पर हम लिख देंगे डेट एंड टाइम ठीक है अब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं फिर आप जो है समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपको डेट मिलेगी यहाँ पे टाइम मिलेगा और जो आपका नाउ वाला फंक्शन है वो डेट और टाइम दोनों आपको जो है वो ला के देगा तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पे मैंने सीधा जो है आपको यहाँ पे डिबक डॉट प्रिंट में दिखाया है आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे जो है वो वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो तो आप डिम करंट डेट एज स्ट्रिंग तो जब डेट होल्ड करते हो तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो करंट डेट आपका जो है वो स्ट्रिंग हो गया उसके बाद में आप जो है वो करंट टाइम यहाँ पे लिख दोगे करंट टाइम हो गया आपका और उसके बाद में आप लिख दोगे करंट डेट एंड टाइम ठीक है तो करंट डेट एंड टाइम आप उसके बाद में आपको क्या करना कि जो वैल्यू आप सीधा पास कर रहे हो वो आप वेरिएबल में ले लो ठीक है तो ऐसे भी आप कर सकते हो तो आपका जो करंट डेट है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू डेट ठीक है फिर आपका जो करंट टाइम है वो आपका हो जाएगा करंट टाइम के बराबर ऐसे और जो करंट डेट एंड टाइम है वो आपका हो जाएगा नाउ के बराबर यहाँ पर इस तरह से आप वेरिएबल में ले लो और फिर ये वेरिएबल जो है वो आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे इस तरह से तो आपको जो है वो रिजल्ट सेम मिलेगा तो आप वेरिएबल बना के भी इनको जो है यूज़ कर सकते हो और वेरिएबल बनाने का फायदा ये रहता है कि इन पर अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है या कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो बहुत बार ठीक है तो बहुत बार बोले तो कोड में आप जितनी बार भी यूज़ करते हो वेरिएबल उतनी बार उनको जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से या फिर सेम तरीके से तो आपका आउटपुट जो है वो सेम रहेगा यहाँ पर हम इसको जो है चला देते हैं तो आपको आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम मिलेगा इस बार वैल्यू पहले यहाँ पर आ रही है वेरिएबल में और वेरिएबल से यहाँ पर पास हो रही है ठीक है तो अब अगला फंक्शन जो है हम लोग देख लेते हैं अगला फंक्शन हम लोग देख लेते हैं और हमारा अगला फंक्शन क्या है हमारा अगला फंक्शन है डेट एड का ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग करंट डेट एज एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं लिखना है लिखना है डिम ठीक है डिम करंट डेट एज स्ट्रिंग ठीक है और करंट डेट में मुझे क्या करना है करंट डेट में मुझे जो है वो डेट को असाइन कर देना है ऐसे ठीक है अब जो करंट डेट आपकी है वो अभी के अभी के हिसाब से क्या रहेगी इसको हम लोग जो है वो डिबक डॉट प्रिंट कर लेते हैं फिर आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहाँ पर मुझे लिखना है डिबक डॉट प्रिंट डिबक डॉट प्रिंट और उसके बाद में आपको जो है वो करंट डेट यहाँ पे पास कर देनी है तो क्या होगा अभी आपका करंट डेट हो जाएगा प्रिंट यहाँ पे ओके okay, यहाँ पे सी यू आर ई हो गया है जो कि गलत है इसको सही कर लेते हैं सी यू आर और सी यू आर अब जो है वो सही हो जाएगा इसीलिए वो वेरिएबल डिक्लेरेशन का एरर आ रहा था आपकी डेट आ गई अब अगला फंक्शन जो हम ऐड करने वाले यूज़ करने वाले हैं वो था हमारा डेट ऐड तो डेट ऐड क्या करता है इस करंट वेरिएबल में हम क्या करेंगे यहाँ पे और एक फंक्शन यहाँ पे डालेंगे हम डेट और ऐड का ठीक है अब डेट ऐड में क्या होता है पहले आपको इंटरवल ऐड करना पड़ता है इंटरवल जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ईयर ऐड करना है ठीक है और उसके बाद में कितना ईयर ऐड करना है तो मे भी आपको चार ईयर ऐड करना है ठीक है और किस डेट में करना है करंट डेट में करना है फिर से ई एड कर दी मैंने फालतू ठीक है तो अब क्या करेगा ये आपके आउटपुट में जो है चार साल ऐड कर देगा ठीक है तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं चला देता हूँ तो पहला आपका जो है वो करंट डेट होगा और दूसरा इसको भी डिबल डॉट प्रिंट करना पड़ेगा ना मुझे तो इसको मैं मैं डॉट प्रिंट कर देता हूँ तो पहले ये क्या करेगा पहले करंट डेट प्रिंट करेगा यहाँ पे क्योंकि करंट डेट में आपकी आज की डेट रहेगी और अगली बार जब करंट डेट करेगा प्रिंट तो क्या करेगा चार साल ऐड कर देगा करंट डेट में तो इसको जो है आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपके चार साल ऐड हो गए हैं पहले आपका इक्कीस था पच्चीस था अब इसको जो है आप इस तरह से भी कर सकते हो डिम फ्यूचर डेट ठीक है एज स्ट्रिंग तो ये जो है थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा तो आप यहाँ पे जो है वो फ्यूचर डेट डाल सकते हो ऐसे और ये आपकी फ्यूचर डेट हो जाएगी तो रिजल्ट जो है वो आपको सही मिलेगा और डेट ऐड जो है वो आप समझ जाते हो कि डेट ऐड क्या करता है आपका जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर देता है तो डेट ऐड में आपने अभी ईयर ऐड कर एड किया है आप इसमें जो है वो मंथ भी ऐड कर सकते हो कि अगर आपको मंथ ऐड करना है तो मंथ कैसे ऐड कर सकते हैं उसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर मंथ ऐड करना है तो आपको यहाँ पर जो है वो सिर्फ एम टाइप करना पड़ेगा एम टाइप करोगे तो क्या होगा कि आपका करंट डेट में मंथ ऐड हो जाएगा तो कितना मंथ आप ऐड कर रहे हो चार मंथ ऐड कर रहे हो तब आप इसको चला दो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है वो पहले आपका जो था वो नाइन्थ मंथ था यहाँ पे और इसमें जो है आपका फोर ऐड तो हो गया तो तेरह हो गया तेरह यानी कि आपका जनवरी में पहुँच गया तो इसमें ऐड हो गया अगर आपको घटाना है तो घटाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे माइनस लगा देना है तो क्या करेगा ये बैक डेट में ले जाएगा यानी कि प्लस करेगा माइनस फोर को तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो नंबर जो है आपके नंबर माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका था वो नौ था और यहाँ पर आपका जो है वो पाँच हो गया यानी कि चार महीने यहाँ से कम हो चुके हैं ठीक है तो इस तरह से आप जो है वो इसमें एड कर सकते हो मंथ या ईयर जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो तो ये था आपका डेट एड का फंक्शन अब हम लोग जो है क्या करते हैं अगला फंक्शन चेक कर लेते हैं कि अगला फंक्शन हमारे पास कौन सा है अगला फंक्शन हमारे पास है डेट डिफरेंस का ठीक है तो डेट डिफरेंस के फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि डेट डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो दीपक डॉट प्रिंट लगा देते हैं दीपक डॉट प्रिंट और यहाँ पे हमारा फंक्शन जो रहेगा इस बार रहेगा डेट डिफरेंस और डेट डिफरेंस में आपको क्या देना होता है इंटरवल देना होता है ठीक है तो इंटरवल जो है आपको क्या देना है इंटरवल हमें जैसे कि मान लो ईयर में डिफरेंस कैलकुलेट करना है हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है डिफरेंस ईयर में कैलकुलेट हो तो आप किस तरह से कर सकते हो आप यहाँ पे जाओगे और जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया था आपको ईयर डाल देना है उसके बाद में डेट बन ठीक है तो डेट वन जो है वो आपकी करंट डेट कर लो ठीक है और उसके बाद में डेट टू जो है आपकी इसमें आप जो है वो क्या करो कि इसमें पहले आपको ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेट ऐड कर देता हूँ ठीक है और डेट ऐड के लिए फिर मुझे वही करना पड़ेगा और यहाँ पर चार कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ करंट डेट ठीक है तो ये आपका डेट ऐड हो गया और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपका स्टार्टिंग डे क्या है वो आपको जो है वो बताना रहता है कि किस दिन से आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हो या किस डेट डेट से जो है वो आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप देना चाहो तो दो नहीं देना चाहो तो वो आपका जो है वो ऑप्शनल रहता है इसको आप इस तरह से छोड़ सकते हो और उसके बाद में आपका जो डेट डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आएगा कि करंट जो आपकी डेट है और फिर उसमें आपने जो है वो चार ऐड कर दिया है तो डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो कि आपका चार डिफरेंस आना चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करवा देता हूँ और इसमें टाइप मिसमेज का आ, एरर आ गया है तो अच्छा करंट डेट को हमने जो है वो कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा करंट डेट को वैल्यू देना पड़ेगा तो आप यहाँ पर जब करोगे करंट डेट इक्वल टू डेट तो यहाँ पे डेट को जो है वो वैल्यू मिल जाएगी इस डेट में वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद में ये जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे डिफरेंस फोर फोर आ गया क्यों फोर आ गया क्योंकि तो हमने करंट डेट में फ़ोर ऐड करके उसको फिर डिफरेंस कैलकुलेट किया है तो आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ गया तो आपके पास जब दो डेट रहेंगी तो आप यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं करना है कैलकुलेट तो आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो कि लेट से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक डेट दोगे और फिर आप यहाँ पे जो है वो दूसरी डेट दोगे तो मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ तो इसमें जो है आप जैसे कि वैल्यू दे दो ट्वेंटी टू कॉमा एलेवन कामा नहीं, नहीं कॉमा नहीं लगाना है डेट की तरह लिखना है कॉमा नहीं लगाना है ट्वेंटी टू काम कामा नहीं स्लेशन और फिर उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे दो हज़ार तीन चार पाँच कुछ भी लिख दो ठीक है और उसके बाद में दूसरी जो डेट आपको लिखनी है उसको लिख दो आप ट्वेंटी टू स्लेशवन स्लैश और उसके बाद में लिख दो आप यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा जितना भी डिफरेंस होगा तो 2005 से 2021 में कितना डिफरेंस हुआ 16 साल का डिफरेंस हुआ ना तो देखते हैं कितना रिजल्ट मिलता है हमको 16 का रिजल्ट जो है वो मिल गया तो इस तरह से आप जो है डेट डिफरेंस जब कैलकुलेट करना है तो आप इस फंक्शन का जो है वो यूज कर सकते हो ठीक है अब अगला अगला जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है डेट पार्ट और ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट पार्ट की किस तरह से आप जो है वो डेट के पार्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो कि जो है ईयर क्या है मंथ क्या है क्वार्टर क्या है वो सारी चीज़ें तो अगला जो है हम डेट पार्ट को समझते हैं इसको जो है यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और बाकी का हमारा ऐसा ही रहेगा ठीक है तो डेट पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है डेट पार्ट लिखना है ठीक है तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिबग डॉट प्रिंट ठीक है ये सारे फंक्शन जो है आपको बस एक बार देख लेने होते हैं ताकि आप जब यूज़ करो तो आपको आइडिया रहे कि हाँ ये फंक्शन कैसे यूज होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट और उसके बाद में लिखता हूँ पार्ट ठीक है अब डेट पार्ट इसमें क्या चाहिए सबसे पहले इसको चाहिए कि आप क्या पार्ट निकालना चाहते हो ठीक है तो फॉर एग्जांपल मैं जो है ईयर अगर निकालना चाहता हूँ यहाँ पे और उसके बाद में जो है आपको डेट दे डेट दे देनी होती है तो मैं यहाँ पे जो है करंट डेट दे, दे, दे देता हूँ इसको ठीक है तो इसमें से मुझे क्या चाहिए इसमें से मुझे ईयर चाहिए डेट पार्ट ईयर तो ये मुझे क्या दे देगा ये मुझे ईयर दे देगा ठीक है और ईयर कैसे दे देगा एक बार हम लोग जो यहाँ पे देख लेते हैं तो इसने मुझे दे दिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब अगर आपको जो है ऐसे करना है यहाँ पे ये देखो ऐसे ठीक है तो पहले हमने ईयर निकाला है फिर हम लोग जो है यहाँ पे मंथ निकालेंगे ठीक है मंथ के लिए आपको एम डालना है, है और डेट के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है वो डी डालना है इस तरह से तो मंथ और डेट आपके कैलकुलेट हो जाएंगे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद इसको रन करवा देता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको मंथ और ईयर मंथ और डेट मिल गया है अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा चेंज करूँ यहाँ पे डबल एम करूँ और यहाँ पे डबल डी करूँ तो देखो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है ये भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं ठीक है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा अगर डबल एम करोगे ठीक है अगर मैं ट्रिपल एम करता हूँ यहाँ पर और डबल डी करता हूँ तो क्या होता है ये जो है आप वेरिएशन चेक कर सकते हो तो आपको जो है यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू नहीं मिली है अगर मैं इसको जो है वो कैपिटल एम कर देता हूँ ऐसे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी ये सब वेरायटी जो है आपको एक बार ट्राई कर लेनी होंगी तो ठीक है तो ये चल गया और डेट पे इसने एरर दे दिया ठीक है तो इसको मैं डी छोड़ देता हूँ और इसको एम छोड़ देता हूँ तो आप कैपिटल एम या इस्माल एम यूज कर सकते हो और कैपिटल डी या इस्मॉ डी यूज़ कर सकते हो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए यहाँ पर आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी डेट पार्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हो डेट पार्ट बेसिकली जिस जैसे उसका नाम है कि डेट पार्ट तो डेट के आपको जो है वो पार्ट दे देता है और ये आपको यहाँ पे डिफरेंट जो पैरामीटर हैं वो पास करने होते हैं ठीक है अब डेट पार्ट के बाद में हमारा जो अगला फंक्शन है उसका फंक्शन का नाम है आपका डेट सीरियल ठीक है तो डेट सीरियल क्या करता है इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं ठीक है तो डेट सीरियल देखो आप समझ लो कि जैसे अगर आपको अलग अलग पार्ट में डेट मिल रही है ठीक है अभी हम लोग डेट पार्ट पढ़े थे अब हम लोग डेट सीरियल पढ़ रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिबग डॉट प्रिंट ठीक है अब अगर आपको अलग अलग पार्ट में डेट मिल रही है जैसे आपको यहाँ पे मिला 2006 कॉमा फिर आपको मिला यहाँ पे मंथ छः और फिर आपको मिला डेट तीस ठीक है तो ये आपको अलग अलग वैल्यू मिल गई हैं ठीक अब आप आपको क्या करना है यहाँ पे जो है इसको आपको डेट में कैलकुलेट कन्वर्ट करना है तो आप क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप यूज कर सकते हो डेट सीरियल ठीक है डेट सीरियल तो ये फंक्शन जब आप यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा इसको डेट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा कैसे दे देगा आप मैं इसको जो है रन करा देता हूँ यहाँ पे तो आपको जो है डेट बना के इसने दे दिया इस तरह से तो अगर आपको अलग अलग पार्ट में वैल्यू मिल रही है जैसे हमने डेट पार्ट यूज़ किया था तो डेट को उसने पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था अब अगर आपको पार्ट को जो है वो डेट में कन्वर्ट करना है तो आप डेट सीरियल को यूज़ करके उसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है तो अब हम लोग जो है अगला फंक्शन देख लेते हैं तो ये जो है आपका डेट वैल्यू अब डेट वैल्यू क्या करता है इसको भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि डेट वैल्यू से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो एक जो डेट होती है उसमें अगर आपको डेट वैल्यू यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो इसको चला के दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप डेट वैल्यू को यूज़ कर सकते हो ठीक है तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे डेट वैल्यू ठीक है और आपको यहाँ पे जो है वो डेट पास कर देना है तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट में फिर इसको हम लोग मुझे समझ लेंगे तो यहाँ पर जब आप डेट वैल्यू में डेट पास करते हो तो आपको एग्जैक्टली exactly जो है वो डेट ही मिलती है कुछ उसमें जो है आपको अलग नहीं मिलता है और अगर आप डेट वैल्यू में इस तरह से कुछ वैल्यू पास करो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये ऐसे ठीक है आप कुछ पास करो तो देखो क्या कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट मिलेगा ये भी जो है आप समझ जाओगे तो ये आपको जो है डेट की वैल्यू देता है अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आपकी डेट है ठीक है कैसे भी लिखी हुई है चाहे तो वो एग्जैक्ट फॉर्मेट है चाहे तो डिफरेंट फॉर्मेट है तो आपको जो है एग्जैक्ट डेट कन्वर्ट करके दे देगा मे बी अगर आपको कभी ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसको कि आपको आपको इस तरह से डेट में कन्वर्ट करना है तो आप डेट वैल्यू का यूज करके उसको प्रॉपर डेट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से तो यहाँ पर जो है आपका डेट वैल्यू फंक्शन जो है आपके यूज़ में आएगा ठीक है अगला फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि अगला फंक्शन हमारा क्या है अगला फंक्शन जो हमारा है वो डे का है ठीक है और डे में हमें क्या मिलता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं वैसे हमें डे में जो है वो डे ही मिलता है बट कैसे मिलता है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है ये जो है आपको यहाँ पे डे कर देना है बस और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हमें डे क्या देता है ठीक है ये डेट आपकी है इस फॉर्मेट में डे हमारा जो है हमें क्या वैल्यू देगा और फिर हम उसमें कोई और डेट पास करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी तो जब आप डे चलाते हो यहाँ पे तो आपको जो है यहाँ से डे मिल जाता है कि कौन सा डे है आपकी उस डेट में तो ये डेट हमने यहाँ पे पास करी थी अब हम ये ये जो ये जो करंट डेट है ये पास कर देते हैं तो इसमें से हमें क्या मिलेगा ये आपकी फिक्सड वैल्यू है अब आपका वेरिएबल पास हो रहा है यहाँ पर तो इसमें से आपको क्या मिलेगा ये भी हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं चला के तो इससे आपको जो है वो डे मिलता है कि कौन सा डे है आपका वो आपको यहाँ पे मिल जाता है और ये जो डे आपका फंक्शन है जब इसको आप ओपन करते हो तो आप यहाँ पे आता है कि आपको इसमें जो है वो डेट एज अ पैरामीटर पास करनी है तो वो डेट आपकी जो है वो जो हमने पहले पास की थी जिसमें कि हमारा मे लिखा हुआ था वो हो सकती है आपकी ये वाली जो डेट है वो हो सकती है या फिर आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में डेट पास कर सकते हो इस तरह से ठीक है ये मैंने जो है यहाँ से कॉपी किया था तो उसमें डबल कोड भी कॉपी हो गए थे यहाँ पे जो है आप इसमें से डे निकाल सकते हो ठीक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जब आप कोडिंग करते हो तब आपको जो है वो चाहिए पड़ता है कि कहाँ से क्या कैसे निकालने तो यहाँ से आपको जो है वो डे प्रॉपर्ली मिल जाएगा तो ये जो छोटे छोटे फंक्शन है जब आप कोड करते हो तो बहुत काम आते हैं आपके यहाँ पे आप जो है डे कैलकुलेट कर सकते हो उसके बाद में अगला फंक्शन हम लोग जो है वो समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगला फंक्शन हमारा क्या है डे के बाद में ऑल राइट अगला फंक्शन हमारा है फॉर्मेट डेट ठीक है तो फॉर्मेट डेट को हम लोग जो है वो समझते हैं यहां पे आपको लिखना है फॉर्मेट फॉर्मेट और उसके बाद में ये जो क्या पैरामीटर लेता है इसको हम लोग जो समझना चाहें तो समझ सकते हैं फॉर्मेट के बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबसे पहले इसको आपको जो है वो एक्सप्रेशन बताना है एक्सप्रेशन बोले तो आपकी जो डेट है ठीक है उसको एज एक्सप्रेशन बताना है तो एज एक्सप्रेशन कैसे होता है आपको क्या करना है यहाँ पे सिंबल लगाना है और फिर ये सिंबल लगाना है ठीक है दो बार और इसके बीच में आपकी जो है वो डेट जाएगी तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेवनटीन जीरो सिक्स और टू थाउजेंड टेन कर लो ठीक है चलो टेन कर लो ट्वेंटी कर लो जो भी सही लगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट पास करना होता है तो फॉर्मेट जो है आपका यहाँ पे उसको लिख देते हैं हम शॉर्ट डेट एस एच ओ आर टी शॉर्ट और कितने फॉर्मेट आप यहाँ पे पास कर सकते हो मैं आप जो है आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपका ये हो गया है और शॉर्ट डेट हो गया है ठीक है अब देखो इस किस तरह से आपको जो है वो ये रिजल्ट देगा तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे तो आपको जो है शॉर्ट डेट मिल गई यहाँ पे और शॉर्ट डेट के साथ साथ में आप और क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हो वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ यहाँ पे एक पैरामीटर आपका है जनरल डेट उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं कि जनरल डेट जब होगी तब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे तो मैं इसको जो है इस लाइन को पूरा कॉपी कर लेता हूँ ऐसे और एक एक करके आपको जो है सारे पैरामीटर दिखा देता हूँ यहाँ पे आपका शॉर्ट डेट था तो ये आपको कॉपी करके मैं यहाँ से ला देता हूँ और ये हो जाएगा आपका जनरल डेट उसके बाद में एक लाइन जो है यहाँ पे सारी डेट्स आपको एक साथ दिख जाएंगी जितने भी फॉर्मेट रहेंगे ठीक है एक है आपका लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट के बाद है लॉन्ग डेट और उसके बाद में है आपका मीडियम डेट जनरल डेट शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट चलो पहले इसको कर देते हैं मीडियम डेट फिर कर देते हैं लॉन्ग डेट ठीक है मीडियम डेट और उसके बाद में लॉन्ग डेट और उसके बाद में है आपका लॉन्ग टाइम मीडियम टाइम और शॉर्ट टाइम ठीक है लॉन्ग टाइम मीडियम टाइम और शॉर्ट टाइम बट अभी ये जो डेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारा टाइम का पार्ट है नहीं बट कोई नहीं उसको भी हम लोग जो है वो समझ लेंगे ठीक है अब ये क्या करता हूँ मैं इसको इकट्ठा ही रन कर देता हूँ तो ये आपको जो है क्या रिजल्ट मिलेगा आप समझ सकते हो ठीक है तो देखो सबसे पहले आपको क्या मिला जनरल डेट तो आपकी जनरल डेट इस तरह से आई फिर आपकी शॉर्ट डेट जो है वो जनरल डेट के जैसी ही है फिर आपकी मीडियम डेट है मीडियम डेट में आपका जो है वो डे आया फिर मंथ आया और फिर आपका जो है वो ईयर आया वो भी दो डिजिट में ठीक है उसके बाद में आपकी जो लॉन्ग डेट आई उसमें आपका दिन पूरा आया उसके बाद में मंथ आया मंथ के साथ डेट आई और ईयर पूरा आया ठीक है तो ये अगर इस तरह का फॉर्मेट चाहिए तो आप लॉन्ग डेट यूज़ कर सकते हो फिर आपका जो है वो टाइम आया ठीक है लॉन्ग टाइम और उसके बाद में आपका आया मीडियम टाइम और शॉर्ट टाइम ठीक है और टाइम जीरो जीरो आया रीज़न रीज़न ये है कि आपका जो है यहाँ पे टाइम कुछ है नहीं तो अब इस वाले वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे पास करके देखूँ इस तरह से तो देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आएगा और फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत तरीक़े से हो सकती है इसकी आप करना चाहो तो कि किस तरह से आपको जो है वो चाहिए है काफ़ी फॉर्मेट के ऑप्शन हम हमने यहाँ पे आप देख लिए हैं और भी कस्टम ऑप्शन हो सकते हैं जो कि आप बना सकते हो ठीक है तो यहाँ से जो है आपको टाइम भी जो है वो मिल गया है कि टाइम कितना है और डेट किस किस तरह से जो है फॉर्मेट होके आती है किस तरह से आपको जो है वो हैश के साथ पास करना होता है और किस तरह से जो है आप उसको पास कर सकते हो ऐज अ पैरामीटर वेरिएबल पैरामीटर ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से आप जो है फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके डेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो उनको अचीव कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से ठीक है तो एक डिबा डॉट डिबाइल डॉट प्रिंट छोड़ देते हैं और बाकी का हम लोग चलते हैं और अगला फंक्शन जो है वो उसको समझते हैं तो हमारा डेट फॉर्मेट था उसके बाद में एक फंक्शन आपका होता है आवर उसको देख लेते हैं ठीक है आवर मिनट सेकेंड ये सारे फंक्शन होते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है आपको आवर जो है वो लिख लेना है इसको हटा देता हूँ मैं एच ओ यू आर ठीक है और यहाँ पे क्या चाहिए आपको टाइम देना है तो आप टाइम दे दो ठीक है तो आपको क्या पैरामीटर देना होता है जब फंक्शन आप यूज़ करते हो और ओपन करते हो ब्रैकेट तो बता देता है कि क्या पैरामीटर देना है तो यहाँ पे आपको जो है वो टाइम देना है ठीक है टाइम दे दिया तो आपका ऑवर हो गया ठीक उसके बाद में आ, ऐसे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे साथ में कवर कर लेते हैं तो ये आपका जो है वो मिनट होगा और फिर ये आपका जो है वो सेकेंड होगा ठीक है तो यहाँ से आपको ऑवर मिलेगा फिर मिनट मिलेगा और सेकंड मिलेगा और सबका पैरामीटर जो है वो टाइम ही है ठीक है यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं टाइम देना है ठीक है और यहाँ पे भी आप सेकंड में भी ओपन करके देख सकते हो कि क्या पैरामीटर देना है यहाँ पर भी आपको जो है टाइम एज ऐ पैरामीटर पास करना है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपको पैरामीटर जो है वो पता चल जाता है कि क्या पैरामीटर आपको देना है और आप इसको चलाओगे तो जैसे कि आपने एंटिसपेट किया है कि पहला घंटा है यहाँ पे रात की जो है एक बज रहा है उसके बाद इक्कीस मिनट हो रहा है और फिर चौबीस सेकंड हो रहा है फिर से आप इसको चलाओगे तो आपको जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा यहाँ पे कि आपका जो है वो एक बज के इक्कीस मिनट और पैंतीस सेकंड और फिर आप चलाओगे तो आपका जो रिजल्ट है वो चेंज होकर जाएगा चालीस सेकंड हो जाएगा इस तरह से जो है आपका बढ़ता चला जाएगा तो अगर आपको टाइम में आवर मिनट और सेकंड चाहिए हैं तो आप इस तरह से ले सकते हो तो पहले हमने ईयर मंथ और डे दे देखा था टाइम में आवर मिनट और सेकेंड देख लिया तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे भी जो है वो कर सकते हो उसके बाद में एक फंक्शन जो है आपका जो आपको चाहिए होता है उसका नाम होता है उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं उसका नाम होता है मंथ मंथ हम लोग कवर कर चुके हैं मंथ नेम ठीक है तो इसका जो है नाम है वो मंथ नेम और मंथ नेम क्या करता है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं तो इसमें आपको जो है वो नंबर ऑफ मंथ पास करना पड़ता है और उसके बाद में जो है आप मंथ नेम कैलकुलेट कर सकते हो तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ मंथ नेम ठीक ये फंक्शन है आपका मंथ नेम तो ये क्या कह रहा है कि आपको मंथ का नंबर पास करना है, है तो मैं यहाँ पे चार पास कर देता हूँ ठीक है और उसके बाद में जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है बस यही पास करना है और कुछ भी पास जो है वो नहीं करना है और इसको मैं कर देता हूँ ओके okay. और अगला जो आपको पैरामीटर आ रहा था ये कह रहा था कि आपको एब्रीबियेट चाहिए कि नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा अगर आप चाहते हो कि एब्रीबिटेड हो जाए तो उसको ट्रू कर सकते हो वो भी अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको फिकर नॉट ठीक है तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला चार अब अगर मैं कर देता हूँ इसको ट्रू यहाँ पे ठीक है तो देखो आपको क्या मिलेगा तो आपको इस तरह से मिलेगा ठीक है तो ये मैं दोनों एक साथ चला के दिखा देता हूँ वैसे एक साथ ही हो गया ये एक तरीके से पर फिर भी जो है कोई बात नहीं दो बार देख लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है ऐसी पहला जो है आपका वो रहेगा फॉल्स और दूसरा रहेगा आपका ट्रूड बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप में कि बुलियन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है तो ये एवरीबीटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा आपको ठीक है अभी मंथ नेम जो है मंथ नंबर अगर आपको जो है स्टैटिक नहीं पास करना है तो आप कैसे पास कर सकते हो यहाँ पे यहाँ पे आप पास करते हो कर सकते हो मंथ और फिर आप यहाँ पे जो है वो करंट डेट को जो है पास कर सकते हो यानी फंक्शन के अंदर अंदर फंक्शन कैसे यूज करते हैं करते हैं ये भी आप यहाँ पे देख रहे हो ठीक है तो इसको भी आप जो है समझ जाओ कि किस तरह से आप फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हो धीरे धीरे आप सारी चीज़ें जो सीखोगे अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो ये आपका जो फुल नेम है और फिर ये एवरी है जहाँ पर हमने ट्रू कर दिया तो इस तरह से आप जो है मंथ नेम कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको मंथ नेम चाहिए है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हो तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आपकी बहुत हेल्प करते हैं ऑल राइट अगला फंक्शन हम लोग चलते हैं अपनी लिस्ट में देखते हैं कि अगला फंक्शन हमारी लिस्ट में क्या है नाउ हम लोग देख चुके हैं सेकेंड भी हम लोग देख चुके हैं टाइम देख चुके हैं All right. अगला फंक्शन हमारा जो है वो हमारे पास है बीक डे ठीक है तो हम लोग जो है बीक डे को समझ लेते हैं कि बीक डे कैसे काम करता है तो यहां पे आपको लिखना है बीक डे ठीक है और फिर इसको आप ओपन करोगे तो यहां पे पहले डेट चाहिए तो डेट डाल देते हैं करंट डेट ठीक है और उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ वीक आपको कौन सा रखना है आपको मंडे रखना है कि संडे रखना है ठीक है तो हम जो है मंडे रखते हैं फर्स्ट डे ऑफ वीक हाँ और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे आपको आज का कौन सा वीक डे है वो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा तो मैं इसको जो है चला देता हूँ और आज का आपका वीक डे जो है वो सिक्स है यहाँ पे आपको नंबर मिला है ठीक है तो मंडे के हिसाब से अगर आप देखो तो आज जो है वो सैटरडे हो रहा है तो सिक्स डे पे हम लोग हैं तो आपको जो है यहाँ पे वीक डे में जो मिलता है वो आपको नंबर मिलता है ठीक है डे तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा अब अगर आपको जो है वो वीक वीक डे नेम कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो तो उसको भी हम लोग जो है साथ के साथ देख लेते हैं तो पहले वीक डे से आपको क्या मिलता है नंबर मिलता है फिर वीक डे नेम आपका एक फंक्शन होता है उससे आप क्या करते हो कि उससे आप कैलकुलेट करते हो वीक डे का नेम तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक दीपक डॉट प्रिंट जो है वो और लगा देता हूँ दीपक डॉट प्रिंट और ये आपको क्या करेगा वीक डे नेम और बीक डे नेम में आपको जो है वो पहले बीक डे देना होता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और आप सीधा का सीधा ये जो है यहाँ से उठा के पूरा ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पास कर सकते हो ठीक है तो क्या करेगा यहाँ से बीक डे नंबर आ जाएगा ठीक है उसके बाद में एब्रीबेटेड जो है अभी हम फॉल्स रखते हैं बाद में आप ट्रू कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है या फिर एक ट्रू का और एक फॉल्स का दोनों डाल देते हैं ठीक है मैंने जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जब वीक डे नेम लोगे तो आपको नंबर पास करना रहेगा और जो वीक डे है वो आपको नंबर देता है इसीलिए मैंने पूरा वीक डे उठा के ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे डाल दिया ऐसे तो ये आपको नंबर देगा और नंबर आपका जो है वो वीक डे नेम में चला जाएगा और यहाँ पे आप जो है इसको ट्रू कर दो तो, यानी कि एवरी आपका जो नाम है वो डे का वो आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा वीक डे मिल नंबर मिलेगा फिर नंबर यहाँ पे पास हो जाएगा और आपको फुल नेम मिलेगा और यहाँ पे जो है आपको एवरीपीटेड नेम मिलेगा तो मैं इसको जो है रन करा के दिखा देता हूँ आपको तो पहले आपको जो है वो सिक्स मिला फिर फ्राइडे मिला और फिर एफ मिला ठीक है तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर जो है वो अचीव कर सकते हो अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि अगला फंक्शन हमारी लिस्ट में कौन सा है अगला फंक्शन हमारा है ईयर जिससे कि हम जो है वो ईयर कैलकुलेट करते हैं ईयर हम लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर भी देख लेते हैं एक बार और क्योंकि हमारा लास्ट फंक्शन है तो ईयर जो है आपको ऐसे डाल देना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो है वो करंट डेट पास कर देनी होती है ठीक है आप जब ओपन करोगे यहाँ पे ब्रैकेट तो आपको यहाँ पे डेट पास करनी होती है तो ये आपको जो है वो ईयर ला के दे देगा ऐसे यहाँ पे आपको जो है दो मिल गया है ठीक है पीछे दिखा देता हूँ रन करा दो इक्कीस आ गया ऐसे ही आपका जो है वो मंथ और डे होता है यहाँ पर ठीक है तो ईयर और उसके बाद में मंथ और डे तो ये क्या करेंगे आपको अलग अलग ईयर मंथ और डे जो है वो ला दे देंगे तो अगर आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है आप काम कर सकते हो अब अब देखो अगर आपको फॉर्मेट बनाना है डेट का मैं एक बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा भी फॉर्मेट आपको बनाना है ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिम माई डेट एज स्ट्रिंग ठीक है अब मैं क्या करूँगा माई डेट को जो है फॉर्मेट करूँगा अपने हिसाब से तो आपको क्या करना है यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्मेट जो है वो ईयर ठीक है और उसके बाद में मंथ और उसके बाद में डे का रहे ठीक है ईयर मंथ और डे रहे तो आप इस तरह से जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हो यर मंथ और डे ठीक है और इसको मैं जो माई डेट को जो डिबक डॉट प्रिंट में डाल देता हूँ तो आप इसको जो है समझ पाओगे कि मैंने क्या बनाया यहां date, debug .print, debug .print, यहां date, है यहाँ पे माई डेट डिबक डॉट प्रिंट डिबक डॉट प्रिंट यहाँ पे रहेगा माई डेट जो कि मेरा वेरिएबल है ठीक है और ऊपर की जो वैल्यू है इनको मैं जो है कमेंट कर देता हूँ यहाँ से ऐसे कमेंट कर दिया अब जो आपका यहाँ पे रन होगा वो क्या करेगा कि आपको आपकी डेट को जो फॉर्मेट करके देगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप देखो इसको मैं चलाता हूँ फिर इसको हम लोग फर्दर फॉर्मेट करेंगे आपको क्या मिला दो उसके बाद में नौ और नौ मंथ मंथ कर दिया मैंने एक्चुअली मुझे डेट करना था ना यहाँ पे डे करना था इसीलिए ठीक है कोई बात नहीं ऐसा तो होता रहता है ठीक तो इसको मैं जो है यहाँ से क्लीन करके फिर से चला देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको ईयर मिला उसके बाद में आपको जो है वो मंथ मिला और फिर डे मिला ठीक अब अगर आपको यहाँ पे गैप डालना है तो आप यहाँ पे जो है वो गैप डाल सकते हो कैसे डाल सकते हो आप यहाँ पे जो है वो डबल कोट लगाओ और यहाँ पे जो है गैप लगा दो और फिर आप यहाँ पे जो है वो ऐसे कर दो ये कॉन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कैसे कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आपको स्पेस डाल देना है ठीक है उसके बाद जब आप चलाओगे इसको रन करवाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से असल में इसको मुझे ऐसे रन करवाना चाहिए और आपका यहाँ पे जो है तो ठीक है तो आपका 2021 हो गया फिर नौ हो गया और फिर चार हो गया अब देखो यहाँ पे आप जो है वो अंडर डैश लगा सकते हो ठीक है या फिर आप अंडर्स को लगा सकते हो या फिर स्लैश लगा सकते हो देखो ऐसे आ जाएगा आपका यहाँ पे डैश लग के डैश लग के आ जाएगा डैश लग के आ गया ठीक है उसके बाद में आप यहाँ पर डैस लगा के स्लैश लगा सकते हो बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप जो है वो कर सकते हो यहाँ पे ऐसे चला दो यहाँ पे तो आपका जो है वो स्लैश लग गए यहाँ पे उसके बाद में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हो ऐसे ठीक है डॉट लगा सकते हो और अगर आप चाहो तो मंथ डे और ईयर को स्विच कर सकते हो कि आपको मंथ पहले रखना है डे पहले रखना है ईयर पहले रखना है तो बस वेरिएबल आपके इधर उधर हैं होने हैं बस बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है वो हो जाएंगी और अगर आपको यहाँ पे टाइम ऐड करना है तो आप यहाँ पे जो है वो टाइम भी ऐड कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर जैसे कि कन्वर्टनेट करके और यहाँ पर जो है आपको टाइम ऐड कर देना है तो आपका टाइम जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बीच में आप यहाँ पे जो है एक और स्पेस कोई लगा दो ऐसे करके ताकि थोड़ा सा टाइम के लिए रहे और आपको यहाँ पे एक और कॉन्कैटिनेशन लगाना पड़ेगा ताकि टाइम कॉन्कैटिनेट हो जाए आराम से ठीक है तो आप इसको हटा दो आप यहाँ से और इसको चला दो ऐसे ठीक है तो आपका जो है डेट हो गया यहाँ तक और उसके बाद आपका जो है वो टाइम हो गया तो ऐसे जो है आप फॉर्मेट कर सकते हो डेट को नीड के हिसाब से और कैसे आप जो है वीक डे निकाल सकते हो या फिर जो वीक डे नेम निकाल सकते हो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए हैं तो ऑलमोस्ट सारे फंगन कवर कर लिए हैं बस आपको जो है इसको एक्सप्लोर करना है आपको यूज़ करना है वीडियो को जो है आप एक दो बार देखो आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा बस एक बार आइडिया रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे होती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करो ऑल राइट सो ये वाला वीडियो हम लोग सक्सेसफुल कंप्लीट करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय